अभी हम लोग को कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है फोटो खिंचाने का, तो अभी हम लोग थोड़ा दूर जा रहे हैं घर से, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, अराउंड 3 किलोमीटर होगा घर से करीब। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस अभी ये देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी शाम हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बिल्कुल सुबह सुबह मैं उठा हूँ, अभी बज रहा है सुबह के 4:30 और अभी इतना प्यारा हवा दे रहा है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मेरे को मतलब एकदम होता है ना कि आपको कभी कभी होता है कि एकदम नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आता है, वो वाला फीलिंग आ रहा है, लिटरली सच्ची बता रहा हूँ। मैं रात भर नहीं सोया हूँ, रीज़न बताता हूँ। मैंने मतलब ठान लिया था कि आज भाई, आज मैं चाहे जो हो जाए, जितना भी हो जाए, आज मैं सुबह जाऊंगा ही ग्राउंड, रनिंग करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, लिटरली फाड़ दूंगा। लेकिन बात यह हुआ, मैं गया सोने 12:30 के अराउंड, फिर मैं बैठ गया वेब सीरीज़ देखने, फिर वेब सीरीज़ ख़त्म करते करते 2 बजा, फिर उसके बाद मैं बोला कि अब नहीं सोऊंगा, अब 3 घंटा है मेरे पास, अब मैं सोऊंगा ही नहीं। उसके बाद मैंने यूट्यूब देखा, मूवी का थोड़ा सा एक पार्ट देखा, मैंने ऐसे फ़ोन चलाते चलाते फिर टहला, फिर पानी पिया, ऐसे करते करते मैंने सीधा अभी मैं फ़ोन लेके 4:30 बजे ऊपर आ गया हूँ। अभी पूरा अंधेरा हो रखा है, मैं एक्सपोज़र बढ़ा दिया हूँ, आपको थोड़ा लाइट सा फील हो रहा होगा। अभी बारिश का भी सीन बन रहा है, लग रहा है क्लाउड्स है आसमान में और काफ़ी तेज़ मूव हो रहे क्लाउड्स। तो गाइस अभी मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, अभी 12 मिनट का टाइम लैप्स बन गया, इज बिग एनफ टू मेक अ हाइपर लैप्स। अभी जल्दी से निकलता हूँ, मुँह देख के पता नहीं कैमरा में समझ रहा रहेगा कि नहीं, आँखें घुसे हुए हैं, लाल भी हैं, मैं रात भर नहीं सोया हूँ, मतलब अब रूटीन में आना पड़ेगा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं और नीचे सभी सो रहे हैं, अभी क्लाउड्स भी थोड़ा बहुत हट गए हैं, देखिए इधर क्लाउड्स अभी मूव कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं। देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ रेन गाइस, और ये बारिश अगर अभी सुबह सुबह गिरे तो एकदम घटिया हो जाता है। आज चैम भी हमारे साथ बाहर आया था, चैम ने आज काफ़ी मस्ती किया हमारे साथ। गाइस आज बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और अभी मैं भी मैं 1 घंटे का नैप लूँगा। आज दिन भर अगर चलाना है बॉडी को तो 1 घंटा 1.5 घंटा का नैप लेना पड़ेगा। गाइस आज हेयर कटिंग करवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही अनइवन सा हो गया है बाल। गाइस 1 घंटा 1.5 घंटा का गया भाड़ में, गाइस सीधा मैं सो के उठा हूँ 3 घंटे बाद, और 11:30 बजे उठ गया था सो के। उसके बाद मैंने सोचा कि आज हेयर कटिंग के लिए मैं जैसे तैसे वो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद नींद तो आ रहा है अभी भी, लेकिन मैं अब नहीं सोऊंगा, तो अभी मैं जाऊंगा हेयर कटिंग के लिए। अभी लाल हो गया लिटरली, समझ नहीं आ रहा होगा कैमरा में, दे रहा है ऐसे भी लाइट मैंने ऑन नहीं किया है। लेकिन हाँ, बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए उतना तो नहीं मिला, लेकिन पहले से बेहतर है, इतना है कि पूरा दिन तक चल जाएगा एनर्जी। तो या अभी बज रहा है 11:50, तो अभी चलते हैं। ये शॉट के बाद सीधा मिलते हैं बाल बाल कटा के। लो भैया, बारिश बारिश कर रहा था और भगवान ने मेरी मन्नत पूरी कर दी, और ये देखिए पूरा बरस पड़ा है बारिश। चल अब तो बंद ही हो गया ऑलमोस्ट, यहाँ पे पूरा बाढ़ आ गया क्योंकि नॉन स्टॉप दो घंटा नहीं, कितना अभी कितना बज रहा है 1:42, मतलब 1.5 घंटा से ज़्यादा हो गया कि नॉन स्टॉप यहाँ पे बारिश हो रहा था। अभी यहाँ पे पूरा बाढ़ आ गया है और गाइज गेस व्हाट, अभी 1:42 हो रहा है, अभी मतलब जाके नहाना भी है, अभी ऐसे भी गीला होना है वैसे भी गीला होना है, इतना देर वेट कर ही लिया है, तो अभी बारिश कमा नहीं है, अच्छा खासा गिर रहा है, घर जाते जाते पूरा नहा लेंगे। तो अभी चलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और सोहेल भी आया था मेरे साथ। गाइस ये नाला मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी गहरा है, मतलब करीब करीब नहीं भी होगा तो 3 फीट गहरा नाला है, लेकिन यहाँ पर हालत देखिए आप एक बार। ओके गाइज, तो सॉरी आज कोई व्लॉग मतलब मैंने कुछ बनाया नहीं, और अभी ये व्लॉग ऑफकोर्स एंड तो नहीं हो रहा, इतना छोटा सा व्लॉग बना के एंड तो नहीं करूँगा। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था क्योंकि कल है बेसिकली मेरा जेई मेंस का एग्ज़ाम, और प्रिपरेशन गाइज ना के बराबर हुआ है, लेकिन फिंगर क्रॉस, लेट्स सी जो होगा होगा। आशा करता हूँ आप लोग भी अभी दे ही रहोगे, जितने भी जेई एस्पिरेंट्स के बच्चे हैं सबको बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल लैपटॉप लेके बैठा हूँ अभी, तो मेरा कल है पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम, जो भी जेई का जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था वहीं पे मेरा सेंटर जेई मेंस का भी पड़ा है, वेरी लकीली। गाइस अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बेसिकली फोटोशूट करने, हम लोग का हफ्ते में 1-2 दिन का सीन बन ही जाता है फोटोशूट करने का। तो मेरे पास गाइस चश्मे का बहुत ही बड़ा कलेक्शन है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। अभी भी कुछ अच्छे चश्मे ऐड हुए हैं उस कलेक्शन में,
कोर्स अब वो चीज़ मैंने वीडियो में नहीं दिखाया रहेगा। तो अभी हम जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना इतना सारा चश्मा पड़ा हुआ है थोड़ा यूटिलाइज किया जाए, तो मैं 2-3 चश्मा भी लेके जाऊंगा, एक फोटोशूट करेंगे। बाहर का वेदर जो है, बाहर का तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 38-40 डिग्री है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बाहर। सो अभी फट से चलते हैं, फोटोशूट करते हैं, आई माइट टेक द ट्राइपॉड। भी बहुत ही पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस सा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने एक शॉट में बिना फंबलिंग बिना क्या यार वर्ड नहीं मिल रहा है, तो फिर एक शॉट में मैंने ये वीडियो अभी मैं ये टेक मैंने लिया। सो अभी जल्दी से चलते हैं, बस मैं ये चेंज करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इस लैपटॉप बैग के अंदर काफ़ी सारा चश्मा रखा है, यू कैन सी दी पैकेजेस, मे बी ब्राइटनेस नहीं आ रहा होगा। सो अभी मैं फट से निकालता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ, क्योंकि अभी लेट हो रहा हूँ। गाइस लास्ट में इंडियन में चश्मा नहीं मिला, तो यही वाला गोल वाला राउंड वाला चश्मा पहनना पड़ा। और अभी कल इस टाइम पे इतना क्लाउड नहीं था, आज भले ही धूप हो लेकिन आज क्लाउड्स है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ही हाई चांस है रेन का। और अभी हम लोगों को कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है फ़ोटो खिंचाने का, तो अभी हम लोग थोड़ा दूर जा रहे हैं घर से, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, अराउंड 3 किलोमीटर होगा घर से करीब। और आज ऐसे तो हवा भी अच्छा खासा चल रहा है, तो आवाज़ भी कम आ रहा होगा, थोड़ा जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करना पड़ रहा है। ये जगह मैंने आपको दिखाया रहेगा, लेकिन इस जगह पे मैं ज़्यादातर रात में आया हूँ, तो इस वजह से ये जगह का समझा नहीं होगा। ये काफ़ी सुनसान रोड है, रात में भी यहाँ पे लोग बैठते हैं। और उधर है दामोदर रिवर और इधर है कैनल। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा ऊँचू टांगा जाएंगे, फिर वहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा लोकेशन है, वहाँ पे जाके फोटोशूट करेंगे। तो गाइस अभी नया चश्मा लिया गया है, देख सकते हैं, ये आयरन मैन वाला जो वायरल हुआ था बीच में, वही चश्मा भी लिया गया है, तो इससे भी कुछ फोटोशूट कर रहे हैं अभी हम लोग। सो अभी हम लोग डिसाइड किए जो हुचुक नगा जाने का, लेकिन यहाँ पे एक प्यारा सा लोकेशन मिल गया, तो यहीं पे फोटोशूट कर रहे हैं। और ये वाला चश्मा बहुत पुराना चश्मा है, ये करीब 3-4 साल पुराना चश्मा है। इसका जो है कि देख सकते हैं लेंस उड़ गया है, मतलब इसमें अभी पूरा फेड हो गया है लेंस। और धूप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन गर्मी टेक्निकली उतना ज़्यादा नहीं लग रहा जितना लगना चाहिए था, ह्यूमिड कम है इसके वजह से। और अभी हम लोग यहीं पे फोटोशूट कर रहे हैं, अभी एक फ़ोटो मैंने ट्राई किया लेकिन वो पोज अच्छा नहीं बन रहा है इसकी वजह से। सो अभी ट्राई करेंगे, फोटोशूट कंप्लीट होने के बाद आपको अच्छा अच्छा फोटो इंस्टाग्राम पे दिखेगा। गाइज अभी जस्ट मैं घर वापस आया और कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। कल जब मैं एग्जाम देने गया था, कल मेरा हुआ था जेई मेन्स का एग्जाम ऑल इंडिया जॉइंट, कैमरा में शेयर करना चाहूँगा। बहुत से लोगों का एग्जाम हुआ है, मतलब मेरे जैसे बहुत से युवा का एग्जाम हुआ था, और लास्ट ईयर भी काफ़ी लोगों ने दिया था और नेक्स्ट ईयर भी काफ़ी लोग देंगे। सो द पेपर वाज एवरेज आई वुड से, अगर मैं बहुत अच्छा प्रिपरेशन करता तो केमिस्ट्री का लेवल, फिजिक्स का लेवल मीडियोकर था और मैथ्स का लेवल काफ़ी ऊपर था। तो मतलब ओवरऑल मेरे लिए पेपर काफ़ी टफ था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा कुछ खास होगा, तो वही हुआ कि एकदम कुछ अच्छा नहीं हुआ। गाइस कुछ कल आते दौरान मैंने कुछ वीडियो बनाया था, वो जाके आप देख के आओ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को। सिंपल सा ब्लॉग बना, तो गाइस कभी कभी ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि एक रेगुलर सा एक डेली बेसिस वाला ब्लॉग जो लाइफ में होता है हर दिन। सो या यही था, ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था और छोटा सा ब्लॉग था। नेक्स्ट ब्लॉग कुछ धमाका करेंगे, और नेक्स्ट मंथ में काफ़ी सारा प्लानिंग से एकदम बोल सकते हो कि नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक में कुछ धमाका वाला प्लानिंग है, जो कि आने वाले ब्लॉग्स में दिखेंगे जरूर। तो स्टे ट्यून, मे बी नेक्स्ट वीक में भी आ सकता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।